तो करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत पेट्रोल पंप से। टैंक खोल के 100 का डलवा के मीटर भगवा के फ्री एयर का सम्मान पूर्वक लाभ उठाकर निकल पड़े हैं मंजिल की ओर। तो आज वैसे तो हमारी मंजिल है कृष्णागंज, लेकिन रास्ते और भी कहीं पहुंचा देते हैं। टोल प्लाजा 500 मीटर की दूरी पर ही है। टोल प्लाजा को क्रॉस करके अब हम किलोमीटर का सफर तय करके सिंदरत पहुंच गए। आज के मौसम का कुछ अलग ही हाल है। अब हम चलते हैं सिंदरत खेतला जी, यहाँ तक आए तो 5 मिनट दर्शन करके जाते हैं। आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लो, फोटोग्राफी नॉट अलाउड। मंदिर काफी विशाल है और आप भी जरूर पधारिएगा। मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए यहाँ तक कृष्णगंज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नाउ वी आर इन कृष्णगंज। ये रहा चिराग और ये है उसका प्यारा सा घर। चलो अंदर की ओर चलते हैं। तो पबजी लेकर बैठ गए और लैपटॉप में मचान मिल कर रहा था। चिराग के साथ काफी मजाक मस्ती करते करते अभी हम जा रहे हैं बाहर। मैं, चिराग और जिमित अभी जा रहे हैं वास्तान जी वापसी। यहाँ इनके गांव में बहुत ही अच्छा सा मंदिर है। वहाँ श्रावण मास के समय में काफी भीड़ थी, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए। बोले वास्तानेश्वर महादेव की जय। और अब हम जा रहे हैं पावापुरी, जो कि कृष्णगंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सिर्फ 1 किलोमीटर और अब हम पहुंच चुके हैं काफी विशाल सुंदर जैन तीर्थ स्थल पावापुरी धाम। यहाँ सबसे पहले एंट्री करवानी पड़ती है और अब हम जा रहे हैं पावापुरी धाम में। वातावरण काफी शांत है, पक्षियों की मीठी आवाज आ रही है। ये देखिए बिलोना करते हुए महिला। ये यहाँ का भव्य मंदिर है, लेकिन फोटोग्राफी करना मना है। हम आए हैं खाना खाने के लिए। टिकट लेने पर पर्सन 100 रुपए में पौष्टिक बिना मिर्च वाला खाना मिलता है। जूते चप्पल कतार में उतारना भी अनुशासन है। टिकट स्कैनिंग के बाद भोजनशाला में प्रवेश मिलता है। भोजनशाला काफी विशाल और बड़ी है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम बैठ चुके हैं, बिल्कुल घर जैसा और पौष्टिक खाना है। खाना खाने के बाद मुखवास चबाते हुए हम निकल चुके हैं टहलने। यहाँ की खूबसूरती का जवाब नहीं है। वैसे आज भीड़ काफी कम है तो वातावरण शांत व स्वच्छ है। हम महाराणा प्रताप के स्टैच्यू के पास खड़े हैं। आज का मौसम देखने लायक है। अभी हम आर्ट गैलरी के अंदर जा रहे हैं। आज भीड़ बहुत ही कम है तो इसलिए मैं शूट कर पाया, वरना यहाँ पे वीडियो नॉट अलाउड है। काफी ठंडक है, ये ऊपर की डिजाइन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए शूट कर दी। और बारिश की आवाज सुन लो, बारिश काफी गुस्सा होकर आ रही थी। अपना फोन लेके बैठ गए, लेकिन ये देखिए बारिश के बाद का मौसम का नजारा। इस नजारे के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। है हमारा शूज और हम हैं कंफ्यूज। खेत जोतता हुआ किसान इसे भी देखे। यहाँ छोटा सा तालाब। हम आए बाल वाटिका बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं थी आज की जाऊंगा झूलो के पास, बारिश के कारण मूड का हो गया सत्यानाश। वाह मोदी जी वाह, इन दोनों ने तो मजा कर ही लिए। और ये मैं घर चलते हैं। या लिखा है पुनः पधारिए, नींबू शिकंजी पी के ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।